हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएसई 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें ओवरऑल हमारे 5 ब्लॉक हैं और टोटल 15 यूनिट हैं जिसे हमें कवर करना है इस बुक में। तो हम आज फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें हमारे 4 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला इंट्रो, सेकंड स्टेट पॉलिटिक्स द 1950s एंड 1960s, थर्ड राइज ऑफ रीजनल फोर्स एंड स्टेट पॉलिटिक्स द 1970s, स्टेट पॉलिटिक्स द 1980s ऑनवर्ड्स। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि इंडिया में हमारे 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। लाइक हर एक स्टेट के अलग अलग फीचर्स हैं, उसके पॉलिटिकल भी अलग है, सोशल भी अलग है एंड रीजनल भी अलग है। हर क्या है ना कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो स्टेट को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की मेथड्स टेक्निक्स ही हमें यूज़ करनी होती है। लाइक क्योंकि हर स्टेट का एक अपना जो एक होता है ना कि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। लाइक हर स्टेट की हर यूनियन टेरिटरी के एक अपनी फीचर्स होते हैं, तो उनको डील करने के लिए उनको स्टडी करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ करनी होती है। ओके, हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। तो 1950s और 1960s में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे एंड स्टेट्स में क्या है ना कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी हमने स्टेट्स के बारे में स्टडी किया था, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से स्टेट में कैसे कैसे पॉलिटिक्स को यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। लाइक ओवरऑल हमने स्टडी किया था अलग अलग स्टेट्स में। तो अगर हम एक सेमिनार की बात करें तो 1964 में एक बुक पब्लिश हुई थी स्टेट पॉलिटिक्स पे, जिसे 1968 में एडिट किया गया था। वैसे उस बुक का नाम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया था एंड इस बुक को एडिट कर दिया गया था 1968 में मायरोन वाइनर ने, एंड उसके बाद 1976 में इकबाल नारायण ने इन्होंने एडिट किया था। एंड इस बुक में ओवरऑल हमारे जो इंडिया के जो भी जो स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए थे, इसमें इंक्लूड्स भी है कुछ स्टेट्स जैसे असम, जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं लाइक 2019 में, जैसे हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में हमारे 2 यूनियन टेरिटरी और ऐड हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद इस बुक में हमें कुछ कास्ट ग्रुप के बारे में भी हमें बताया गया है कि कास्ट ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी जब कास्ट ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे, एंड स्टेट लेवल पे भी लीडर कौन कौन से थे एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन से थे, सोशल मूवमेंट्स क्या हुए थे एंड इलेक्शन का क्या सिस्टम था, वो सब हमने इस बुक में हमें गिवन है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हुआ था सब चीज़ें। तो अब जो हमारा पहला टॉपिक है स्टेट पॉलिटिक्स द 1950s एंड 1960s। अब 1950s और 1960s के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। तो अगर हम ये वाला जो पीरियड देखें, ये नेहरूवियन मॉडल पीरियड है जिसमें एक सिंगल पार्टी थी जो कांग्रेस की पार्टी थी और उनका ही डोमिनेंट था। इसमें क्या था कि उनका जो जो कांग्रेस की जो पार्टी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। होते ना कि एक डोमिनेंट जो पार्टी है ना वो सेंटर में थी, मतलब उनकी जो उनके अलावा कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि जो मोस्टली जो स्टेट्स थे ना उसमें भी उनकी ही पार्टी थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस अगर हम बोल सकते हैं तो वो कांग्रेस का था इस टाइम पीरियड में। इन्होंने इस टाइम पीरियड में ना बहुत सारे चीज़ें किए, उनके बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम ये बोल सकते हैं कि जो गवर्नर है उनका भी जो वो है ना कि उन गवर्नर का भी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सियल नहीं होती थी। हम बोल सकते हैं ना कि
गवर्नमेंट का, और अगर गवर्नमेंट को एक डिसीजन ले रही है तो अगर सीएम को अगर वो चीज़ होता, लाइक अभी हम देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सियल बहुत होती है, लाइक उस टाइम पे कुछ भी कंट्रोवर्सियल नहीं था, जो डिसीजन हो गया वो हो गया, इसमें कोई वो डाउट की बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे जो डोमिनेंट पर्टन ही यूज़ होता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम ये बोल सकते हैं कि लाइक जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो जो डोमिनेंट का जो पर्टन था, लाइक जो डोमिनेंट होता जा रहा था वो चेंज होता गया, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो धीरे धीरे जो ओवरऑल जितने स्टेट्स में उनका जो डोमिनेंस था वो कम होता गया, नई नई पार्टीज़ आती गई एंड वो इंक्लूड होती गई, तो वैसे वैसे जो डोमिनेंट पैटर्न चलता आ रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। ऐसे ही हम ये भी दे सकते हैं कि कुछ सालों बाद जब इंडिपेंडेंस हम हुए थे तो उस टाइम पे नागा एंड मिज़ो ने भी इंसर्जेंस हो गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, एंड और भी काफ़ी सारे सोशलिस्ट हुए थे, जैसे बिहार अलग हो गया था, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, एंड फिर जनसंघा नॉर्थ इंडियन स्टेट में हुआ था, एंड अखिल दल पंजाब में मोबिलाइज किया गया था किसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, एंड ऐसे ही दलित मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था जो RPI ने किया था महाराष्ट्र में, एंड UP में भी हुआ था, एंड दलित पर्तन भी हुआ था महाराष्ट्र में, ऐसे ही काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट भी हुआ था जो जनसंघा ने किया था, और ऐसे ही सोशलिस्ट मूवमेंट भी हुए थे जो स्प्रेड किए गए थे हिंदी लैंग्वेज के, उससे कि इसके अपोजिशन में भी हिंदी लैंग्वेज का हुआ था, एंड डिमांड की गई थी कि जो मद्रास है वो भी इससे अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल है चरण सिंह का। चरण सिंह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में जाके पार्टी लीडरशिप अपनी खड़ी की थी, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सबसे पहले किया था, एंड इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस के बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो, मतलब उन इलेक्शन के टाइम पे वो हार गए थे, लाइक बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो उनके साइड से हट गए जहाँ पे उनका डोमिनेंट चलता था। तो उससे क्या हुआ कि उस टाइम पे ना एक इमरजेंसी भी यूज़ हो गई थी जो पूरे 20 महीने तक लगी गई थी, एंड जब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब अगर ये बोल सकते हैं 1967 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो कांग्रेस है वो हार चुकी थी, फिर उन्होंने कोलैप्स कर लिया था गवर्नमेंट से 1969 में, और एक उस टाइम के बाद 1969 के बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जो हम देख सकते हैं इंडिया में, कि इंडिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था स्टेट पॉलिटिक्स में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन टॉपिक आता है कि 1970s में क्या क्या चेंजेस हुए थे, कौन कौन से फीचर्स थे जो हम देख सकते हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि 1960s और 1970s में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आए थे, और बहुत सारे चीज़ें नई नई आई थी, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जट्स का, यूपी का, हरियाणा, पंजाब, और यादव्स एंड कुरिमस का हम देख सकते हैं बिहार में, और ईस्टर्न में यूपी में भी देख सकते हैं। ऐसे ही चरण सिंह ने एक भारतीय क्रांति दल, एक मतलब पार्टी बनाई थी जिसमें अर्जुना एजेंडा का उनका मेन फोकस था। उन्होंने जो लीडरशिप बनाई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन में बनाई थी 1967 और 1987 के बीच में नॉर्थ इंडिया साइड में। इन्होंने क्या था कि इनका जो लीडरशिप था वो बिहार में, हरियाणा में था, और जो डोमिनेंट पीरियड उनका जो कांग्रेस का जो डोमिनेंट चल रहा था उस पीरियड को उनको ख़त्म करना था। उसके उसमें क्या था कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं और जो वो स्टेट्स हैं ना सब अलग होने लग गए, एंड जो अलग अलग जो पार्टीज है वो अगेंस्ट हो गई थी किसके, कांग्रेस के, ताकि उसको हम जो कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस चल रहा था उसको हमें ख़त्म करना था, इसलिए बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ मिल गई थी, एंड उन सब पार्टीज़ ने मिलके कांग्रेस का जो डोमिनेंट पैटर्न चल रहा था उसको ख़त्म किया था।
ऐसे ही नेशनल पार्टीज ने भी एक फॉर्म किया था, जनता पार्टी, जो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे था, जो एक गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के सेंटर एंड स्टेट में फॉर्म किया गया था। जनता पार्टी का पार्टी जो लीड की गई थी वो गवर्नमेंट्स के थ्रू करी गई थी, जिसमें सेंटर एंड स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम बहुत सारे स्टेट पॉलिटिक्स को मतलब सेंटर और गवर्नमेंट के बीच में लेके आ रहे हैं। एंड उसके बाद क्या है कि जो लीडरशिप है और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लाइक सिर्फ लीडरशिप पे नहीं था बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जो था ना कांग्रेस के, इंदिरा गांधी, वो भी था। लेकिन हुआ क्या था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब सेंटर स्टेट के रिलेशन में अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं वो जब हमने 1960s और 1980s के बीच में जब कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस चल रहा था उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी है उनको चैलेंज कर दिया गया था जेपी मूवमेंट ने। एंड गुजरात में एग्रीगेशन हुआ था 1970s में। जेपी मूवमेंट का जो हुआ था उन्होंने अलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में केस फाइल किया था। एंड उसके चक्कर में इंदिरा गांधी ने सेंटर में क्या क्या थी, पूरे ओवरऑल सेंटर में 1975 से लेके 1977 तक पूरे 20 महीने तक इमरजेंसी लगा दी कि ना ही कोई आएगा ना ही कोई जाएगा। वो बहुत एक, मतलब बोल सकते हैं वो बहुत बड़ा एक ऐसा इमरजेंसी था जो हिस्ट्री में लाइक लिख दिया गया है। एंड वो इमरजेंसी तब लगाया गया था जब अलाहाबाद हाई कोर्ट में जेपी मूवमेंट ने किसके अगेंस्ट केस फाइल किया था, इंदिरा गांधी के। एंड ये पोस्ट इमरजेंसी एरा बोला जाता है इस पीरियड को, लाइक चरण सिंह एक नेशनल पॉलिटिकल के नाम से जाना जाता है कि वो एक लीडर थे और वो लीडर उन्होंने ही मतलब उनके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया था। ओके, तो अब हमारा थर्ड जो टॉपिक आता है स्टेट पॉलिटिक्स 1980s ऑनवर्ड, असर्शन ऑफ आइडेंटिटीज, पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ मिल गए एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, इमरजेंसी हुई, लाइक बहुत सारे लीडर्स जनरेट आए एंड बहुत सारी आइडेंटिटी भी निकाली गई, लाइक सबकी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई कि ये अलग है, ये अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, लाइक पंजाब अलग है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनका भी बहुत सारा बड़े थे, जैसे यूपी में, पंजाब में एंड शतकरी संगता महाराष्ट्र में, ऐसे मतलब बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो भी उस टाइम पे निकल के आए थे। एंड ये जो सारा प्रोडक्ट है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी है एंड लैंड रिफॉर्म भी बहुत सारे शेयर किए गए थे पॉलिटिकल पावर्स में। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे ट्रेड होने लग गए थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी हमें दूसरे को मतलब ट्रेड करेंगे, ये ऐसे मतलब। और इसमें मतलब इस टाइम के बाद क्या है ना कि फोकस किया गया था मार्केट इकोनॉमी में कि इकोनॉमी मार्केटिंग को भी हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि वो सेंटर में था तो उसके बाद जब हमारे स्टेट्स ऑटोनॉमी हो गए एंड अलग अलग हो गए तो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसका इम्पैक्ट हमारे स्टेट्स पे नहीं बल्कि स्टेट्स का ये बेनिफिट्स भी मिले थे, लाइक हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन का भी रिजल्ट आया था कि छोटे छोटे मतलब कॉम्पिटिशन्स हुए, इन्वेस्टमेंट्स हुए। जो है ये फेस है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पार्टी सिस्टम ही चेंज हुआ है बल्कि इस टाइम में बहुत सारे स्टेट्स में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई थी एंड स्टेट लेवल पे पार्टीज इस पे भी हुआ था कि जैसे रीजन पे, रीजनल पे एंड कास्ट पे, इनके ऊपर मतलब इन सब के ऊपर है ना मतलब बहुत सारी पार्टीज अलग अलग इमर्ज होके आई थी।
एंड उसके बाद हमारा लास्ट इसमें बचता है इंसर्जेंस एंड स्टेट पॉलिटिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो इंसर्जेंस हुए थे स्टेट, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए थे, पंजाब हुआ था 1980s में, जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो 2019 में 5 अगस्त को हुआ था, ऐसे बहुत सारे। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं कि इश्यूज हुआ था, जैसे डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके एंड फिर वो इंसर्जेंस हुए थे। इंडिया ने मतलब बहुत सारे फेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उसके मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद उनको इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट हुए हैं, जैसे नागा एंड मिजो इंसर्जेंस हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड जम्मू एंड कश्मीर का हम एग्रीगेशन देख सकते हैं, एंड डिमांड हुई थी फिर कि हम जो तमिलनाडु है, तमिल की भी जो लैंग्वेज है उसको भी हम स्प्रेड करें नॉर्थ साउथ इंडिया में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया एंड उसके बाद इंसर्जेंस हुए, तो ये सब चीज़ था। एंड ये ओवरऑल हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके क्लास के नोट्स का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इजिली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या फिर इग्नू से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।